हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मोबाइल फोन के शुरुआती दौर में अपने फोन्स बाजार में उतार कर छा जाने वाली कंपनी नोकिया ने इंडिया में अपना सस्ता और शानदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नोकिया सी सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन नोकिया C01 प्लस अब भारत में भी उपलब्ध है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इसकी बिक्री देश में शुरू की जा रही है। नोकिया C01 प्लस की कीमत 5,399 रुपए रखी गई है। इसके साथ कुछ ऑफर्स भी दिए जाएंगे। नोकिया C01 प्लस में 5.45 इंच की HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर चलता है, यानी इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला ही एक्सपीरियंस मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि इसमें 2 साल तक लगातार सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। कंपनी ने कहा है कि ये फोन ड्यूरेबल भी है, क्योंकि मजबूती चेक करने के लिए इसका ड्रॉप, ट्विस्ट और हीट टेस्ट किया गया है। नोकिया C01 प्लस उन लोगों के लिए पेश किया गया है जो फीचर फोन से स्मार्टफोन में स्विच कर रहे हैं, इसलिए कंपनी ने इसके लिए रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप भी की है। नोकिया के मुताबिक जियो यूजर्स को 10% इंटरेस्ट प्राइस सपोर्ट मिलेगा। नोकिया फोन्स बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट सनमीत कोचर ने कहा है कि नोकिया सी सीरीज पोर्टफोलियो लोगों को इस सेगमेंट में एक अफोर्डेबल ऑप्शन देता है। नोकिया C01 प्लस में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, जिसमें HDR सपोर्ट भी है। सेल्फी के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए भी फ्रंट कैमरा में फ्लैश दिया गया है। नोकिया C01 प्लस में 3000 mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि यह स्मार्टफोन फुल चार्ज करने के बाद पूरे दिन का बैकअप देगा। नोकिया C01 को कंपनी ने भारत में ब्लू और पर्पल वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसमें 2 GB रैम के साथ 16 GB की स्टोरेज दी गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 5,999 रुपए रखी है, लेकिन जियो यूजर्स इसे 5,399 रुपए में खरीद सकते हैं। दूसरी खबर कू ऐप से जुड़ी हुई है। इंडिया बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ने कहा है कि इसके 1 करोड़ यूजर्स में से 50% यूजर्स हिंदी में इंटरेक्ट करते हैं। इस वजह से ये रीजनल लैंग्वेज यूजर्स के लिए बढ़िया चॉइस है। कू की प्रवक्ता ने बताया कि इस पर ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, इससे ये लोगों को भाषा के आधार पर जोड़ता है। कू पर हिंदी में बातचीत कई विषयों पर होती है। इस पर सोशल कॉज, पॉलिटिकल व्यूज, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल लीडर्स और दूसरे टॉपिक्स को लेकर बातचीत की जाती है। कंपनी ने कहा है कि दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की अपेक्षा हिंदी कंटेंट पोस्ट इस पर लगभग डबल हैं। कू पर पिछले 4 महीनों में हिंदी यूजर्स लगभग 80% बढ़े हैं। इस पीरियड के दौरान हिंदी में कूज लगभग डबल हो गए हैं। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन इंटरनेट यूजर बेस अगले 5 से 6 साल में बिलियन मार्क को क्रॉस कर सकता है। इसमें रीजनल लैंग्वेज यूजर्स इंग्लिश यूजर्स की तुलना में काफी तेजी से बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए कू को लॉन्च किया गया था। ये काफी तेजी से पॉपुलर भी हुआ है। इस पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई पार्टी के नेता जुड़े हैं। इसके अलावा इसे कई बॉलीवुड स्टार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज ब्यूरो। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।